अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी नसीर। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अब आप सब ठीक ठाक और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं प्रोटॉन X70 SUV का। ये आप इसके फ्रंट से लुक देख रहे हैं, कुछ साइड से लुक आपको दिखा रहा हूं। दिस इज़ इट्स बैक लुक, और ये आप दूसरी साइड से लुक इसकी देख रहे हैं। अब इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस गाड़ी का इंजन, 1.5 लीटर टर्बो, और ये 5 सीटर SUV है। आप देख सकते हैं, वेरी फाइन क्वालिटी इज़ यूज्ड ऑफ प्लास्टिक एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छे मटेरियल से ये गाड़ी बनाई गई है। आप इसकी एलिगेंस देख सकते हैं, इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, एज टू एज बहुत अच्छी गाड़ी है। ये मैं इसका आपको एक वॉक अराउंड करवाता हूँ। इसकी बैक साइड से व्यू है। ये एक 5 सीटर SUV है, और जो मार्केट में इसकी कंपटीशन में जो SUVs लॉन्च की गई हैं, किया, MG, हुंडई और मज़ीद कुछ चाइनीज़ कंपनियों के तरफ से, उन सब में से मैं इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी हमें अवेलेबल होती है, उस प्राइस रेंज में हमें पाकिस्तान में सिर्फ कार्स अवेलेबल हैं और कोई भी SUV अवेलेबल नहीं है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत एलिगेंट डिज़ाइन हैं। आप देख सकते हैं डोर्स, डोर हैंडल्स, ये इसका इंटीरियर है, स्टीयरिंग कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, एवरीथिंग। पुश स्टार्ट के साथ ही गाड़ी आती है, कीलेस एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट। इस गाड़ी में दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, एक है AWD और एक है FWD। इन दोनों की प्राइसेस में थोड़ा डिफरेंस है, जो मैं वीडियो के लास्ट पर आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं LCD बहुत प्यारी, कंट्रोल्स, गियर्स, हैंड ब्रेक, वायरलेस चार्जिंग, डैशबोर्ड, डोर्स, हर चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की है। USB, ये जिस गाड़ी का मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ, ये वेरिएंट है AWD, इसमें सनरूफ नहीं आता। जो FWD वेरिएंट है, उसमें सनरूफ भी आता है। ये बैक साइड से आप देख सकते हैं सीट्स, ड्यूल AC के साथ आती है ये गाड़ी। लेग स्पेस बहुत अच्छा है, हेड स्पेस बहुत अच्छा है। यहाँ से मैं आपको डैशबोर्ड का एक व्यू करवाता हूँ। नहायत उम्दा, बहुत लग्जरी गाड़ियों वाला डैशबोर्ड है, और ये इसका बैक कैबिन है। अब इसका बूट ओपन करके उसमें स्पेस देखते हैं। ये दोस्तों इसकी बूट की स्पेस है, बहुत खुली जगह है, ऊपर से कवर भी हो जाता है। इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो 4590 में हमें AWD मिलता है, और 4890,000 में हमें FWD वर्जन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।